हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस प्लांट के बारे में मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, उस प्लांट का नाम है सिंगोनिया और इसे एरोहेड प्लांट भी कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसके जो लीव्स हैं वो एरो की तरह हैं। और फ्रेंड्स, इस प्लांट की जो केयर है वो बिल्कुल जैसे हम मनी प्लांट की केयर करते हैं वैसे ही है। जैसे हम उसको पानी में ग्रो करते हैं वैसे ही हम इसको भी पानी में ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है इसको पानी की, इस प्लांट को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन चाहिए। अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसका जो फर्टिलाइज़र है, जैसे घर में हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसके जो छिलके होते हैं हम उसको पानी में 2 दिन भिगो कर रखेंगे और तीसरे दिन उसका जो पानी है उसको छान कर इस प्लांट को डालेंगे। और इसके जो लीव्स हैं उससे ये पत्ते इसके बहुत बड़े हो जाते हैं। और इसकी जो प्रोपोगेशन है, इसकी जो आप कह सकते हैं कि जैसे से उसे जैसे ये उस लिक्विड से बहुत जल्दी बढ़ता है। अगर आप इसको बुशी बनाना चाहते हो तो आप इसकी कटिंग कर सकते हो। अगर आप इसको बेल की तरह चढ़ाना चाहते हो तो आप इसकी कटिंग मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मौसम जो है वो डायरेक्ट सनलाइट भी चलती है और इनडायरेक्ट भी। ये फुली इंडोर प्लांट भी है और आउटडोर प्लांट भी। इस प्लांट को जैसे शेडी एरिया में रखेंगे तो इसके जो पत्ते हैं ऐसे फ्रेश फ्रेश होंगे। अगर हम इसको डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो इसके जो पत्ते हैं जैसे ये ऐसे लाइट से हो जाएंगे। आप इसकी और जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये तो थी इसके बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए अगर आपको किसी और प्लांट की वीडियो के बारे में देखना है। और फ्रेंड्स, लास्ट में बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, लास्ट में थैंक यू।